That didn't do anything. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज छाया पंचाल। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं एक कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं होम शेफ हूँ और बेकरी की और कुकिंग की सारी आइटम्स मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ, जैसे कि पाव है, ब्रेड है, कुकीज़ है, पिज़्ज़ा, पफ, सब कुछ। और कुकिंग में भी बहुत सारी आइटम्स बनाती हूँ। मेरी यूट्यूब की चैनल भी है, छाया पंचाल किचन। आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज रखी है। आज हमें अमूल ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे हम अपनी स्किल्स इनको दिखा सबको दिखा सके। अमूल जो है, हम सुबह उठते हैं तब से तो रात को सोते हैं तब तक हम अमूल का यूज़ करते हैं। हमारे पूरी लाइफ में ये अमूल ऐसे है, मतलब अपने साथ खुला हुआ है कि सुबह उठते ही हम दूध से शुरुआत करते हैं, तो शाम को सोते समय हम छाछ का यूज करते हैं या दूध का यूज करते हैं। तो पूरे दिन में हम अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और मैं पर्सनली अपने घर में भी अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो थैंक यू अमूल हमें ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ पिज्जा बन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करके रखी है। मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने देखिए टोमेटोज कट करके रखे, दो टोमेटोज मैंने कट किए हैं, कैप्सिकम कट करके रखा है, एक फुल कैप्सिकम, दो प्याज लिए हैं, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, स्वीट कॉर्न को मैंने हाफ बॉईल कर लिया है, एक कटोरी पनीर लिया है, पनीर को मैंने कट कर लिया है। जी, मैं स्टफ पिज्जा बन बना रही हूं। कोरिएंडर लिया है मैंने, गार्लिक को क्रश किया हुआ है, पेपरिका लिया है, ओरेगानो लिया है, बटर लिया है मैंने और बहुत सारी चीज ली है। मैंने मोजरेला और प्रोसेस चीज का कॉम्बिनेशन लिया है और बन चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम मैं शुरुआत करूं। ओके, कैरी ऑन। ओके, तो सबसे पहले मैं वेजीज को मिक्स कर लेते हम। थोड़ा धीरे। ओके, अब टमाटर ऐड कर देंगे हम। ये मैं 10 से 12 बन के लिए बना रही हूँ स्टफिंग। कैप्सिकम को हम ऐड कर देंगे। ऑनियन को भी ऐड कर देंगे। कोई क्वेश्चन पूछे तो बोल देना। नहीं नहीं, रेसिपी क्या है। पनीर ऐड कर देंगे। मैं स्टफ पिज्जा बन बना रही हूँ, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये। कोरिएंडर ऐड कर देंगे, मैंने वॉश करके ही रखी हुई है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। क्विक रेडी टू यूज, जो घर के डेली इंग्रेडिएंट्स है उनसे ही बन जाएगा। हाँ, इसमें आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। कलरफुल सैलड।
इसमें मैं पिज्जा सॉस ऐड करूंगी थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं तीखा आपको कितना चाहिए। मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। मेयोनीज ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना। थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करूंगी। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हम थोड़ा, ओरेगानो ऐड करेंगे, इसे अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। आप इसमें कोई और वेजीज भी ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, मैंने बेसिक वेजीज लिए हैं। ये हाँ, कैरेट्स और कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सही लगे। अब हम इसमें जो चीज हमने ऐड किया है, मिक्स करके रखा है, वो ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें चेदार भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं रखूंगी साइड में बन में ऊपर डालने के लिए। मैंने रेगुलर प्रोसेस्ड और जो मोजरेला का श्रेडेड आता है वो चीज ऐड किया है इसमें, अमूल का। अब ये हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। एकदम थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना। वीडियो इज नॉट क्लियर, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। वाईफाई तो कनेक्टेड है। अब क्लियर है? इज इट क्लियर? नहीं क्लियर। थोड़ा इस साइड से दिखा, ऐसा कर। खाली मिक्स करो तो क्लियर रहते। अब हो रहा है क्लियर? दिख रहा है? नाउ इट इज ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो अब हम इस स्टफिंग को साइड में रख देंगे और हमारे बन को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बटर प्रिपेयर कर देते हैं। अमूल का गार्लिक एंड हर्ब्स वाला बटर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप मेरे जैसे घर पे भी बना सकते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग थोड़ा फ्लेवर प्रीफर करती हूँ, तो मैंने ये 5 टेबलस्पून बटर लिया है अमूल का। नो राकेश, नॉट क्लियर। लीना जी आप क्या कहना चाहते हैं? क्लियर नहीं है अभी? सीमा जी भी बोल रहे, लाइव लेट चल रहा है। हाँ, थोड़ा लाइव लेट चल रहा है, मेरे मोबाइल से लाइव में थोड़ा ब्लर हो रहा है आई गेस। बट उस वक्त हमने सिर्फ मिलाया ही है वेजिटेबल्स को, स्टीयर किया अच्छे से। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, मेरा वाईफाई शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। वेरी क्लियर मिस प्रीति, इज इट क्लियर? आई गेस इट इज क्लियर नाउ। नो इट इज नॉट। थोड़ा सा हम कैमरा क्लीन कर देते हैं।
मैं टिश्यू ही होगा सपोज वीडियो एंड ऑडियो इज फाइन हाँ थैंक यू रिंकू जी तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ मेरा मैंने ये बटर लिया है 5 टेबलस्पून जितना मिस वर्षा इज अगेन सेइंग इट्स नॉट क्लियर व्हाट टू डू चालू कंटिन्यू रखूं कि थोड़ा वेट करूं ओके डू नॉट जूम इन मच ओके जी इतना इतना ऊपर रखते हैं हम लोग थोड़ा ऊपर से कर ऐसा बोल रहे हैं हाँ, तो वॉच कर नहीं नहीं चलेगा नहीं वाईफाई का तो आ रहा है नेट ऊपर से रख तो क्लियर रहेगा ऐसा बोल रहे देख है ना ये मेरा बटर मैंने मेल्ट कर लिया है तो इसमें मैंने ये गार्लिक को क्रश किया हुआ है तो दो टेबलस्पून जितना गार्लिक है इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा आप चाहे तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं ओके थैंक्स विल प्रोसीड अगेन कुछ पूछ रहे थे बता वो दिखा दो दो मिनट क्वालिटी के लिए अगर आप चाहे तो मैं ये फिर से रेसिपी दिखा सकती हूँ अगर ब्लर हो गया है और आप नहीं समझ पा रहे तो आप बता दीजिएगा रेसिपी नेम है स्टफ्ड पिज़्ज़ा बन इट इज ओके थैंक यू ये गार्लिक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर को मैंने गरम कर दिया था क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो ये जल्दी से फिर से हार्ड हो जाएगा तो हम इसे बीच बीच में थोड़ा गरम करते रहेंगे इसमें हम ओरेगानो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना ओरेगानो लिया है और कोरिएंडर ऐड करेंगे आप इसमें पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं तो ये हमारा हर्ब्स वाला बटर रेडी हो चुका है देखिए थोड़ा नजदीक ले बस बस फिर उनको ब्लर हो जाएगा देखिए फ्लेवर भी इसका स्मेल भी आ रही है तो इसे भी अब हम साइड में रख देंगे ये मैंने बन लिए हैं जो आप बर्गर वाले बन भी यूज कर सकते हैं और पाव भाजी वाले बन भी यूज कर सकते हैं मैंने छोटे वाले बन लिए हैं फिर से दिखाओ जी बटर का किस चीज का देखना है आपको फिर से इला जी किरण जी बटर दिखाऊं ये देखिए बटर में आपको फ्लेवर ऐसे स्मेल भी आ जाएगी जब आप इसमें गार्लिक ऐड करोगे और ओरेगानो और कोरिएंडर ऐड करूंगे ओके थैंक यू मिस सीला तो अब हम बन लेंगे और उसको हम ऐसे काटना है हमें पूरा नहीं काटना है देखिए 1/2 तक काटना है थोड़ा सा नीचे पोर्शन जॉइंट रखना है ऐसे देखिए मैं अभी आपको दोनों मेथड से दिखा रही हूँ ओवन में और गैस पे तो मैं 4 बन बना लेती हूँ अभी इसे आप टी टाइम पे भी खा सकते हैं डिनर पे भी ले सकते हैं कभी मिडनाइट को कुछ खाने का मन हो तो ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं और 2 मिनट में ये रेडी हो जाता है क्योंकि इसमें हमें कुछ बेक नहीं करना है ज्यादा ये देखिए पूरा एंड तक नहीं करना है वरना चीज हमारी बाहर निकल जाएगी अब मैं
इसको ब्रश से जो हमने बटर बनाया है उसको हम थोड़ा सा इसमें बीच में स्प्रेड करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि हम ऊपर भी डालेंगे इसको, जिससे कि स्टफिंग के साथ हमें गार्लिक का फ्लेवर मिले और बटर का फ्लेवर मिले और वो बीच में से ड्राई भी ना हो जाए। और ऐसे ही अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ऐसे उंगली से दबा के फिर आपको स्टफिंग भरना है। पनीर ऑप्शनल है, स्वीट कॉर्न भी ऑप्शनल है, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आए तो ही आप डालिए। स्टफिंग अच्छे से दबा के भरिए। नाइस कटिंग, थैंक यू। ड्रूलिंग, और अब हम यहाँ पे थैंक यू। थोड़ा सा ऐसे चीज डाल देंगे चारों तरफ, ताकि जब ये चीज मेल्ट होगी ना बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। या विल रिपीट द प्रोसेस वाइल विल बेक इट। इसे हम फिर से रिपीट कर देंगे जब हम बेकिंग के लिए देखिए रखेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे ये सब एक साथ बाइंड हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने माइक्रोवेव की प्लेट ली है, उस पर मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगाया है। नीचे ऑयल लगाया था, ऊपर भी ऑयल लगाया है, तो उस पर मैं रख दूंगी। और ऐसे ही दूसरा बना देंगे हम। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू। स्टफिंग बताए क्या डाला है। स्टफिंग में मैंने ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, पनीर और स्वीट कॉर्न ऐड किया है, और चीज ऐड किया है। फ्लेवर के लिए मैंने पिज्जा सॉस ऐड किया है, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो ऐड किया है और कोरिएंडर ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट, चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अगर कोई गेस्ट आने वाले हो आपके घर पे और आपको उनको नाश्ता करवाना हो तो आप ऐसे बन रेडी करके रख दीजिए, और फिर 2 ही मिनट में, सिर्फ 2 ही मिनट में ये हो जाएंगे। Tempting, I know, right? थैंक यू। या ये बहुत ही टेम्पटिंग है, और इसकी अरोमा अभी से आ रही है घर में, जब बेक होगी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी। Quite neat. ये भी दिखा दे रहा हूँ, Neat and organized, isn't it? ये मैंने गैस के लिए पैन चढ़ा दिया है, उसमें भी सेम मैंने बटर पेपर लगाया है और नीचे ऑयल रखा है। इसको हम थोड़ी देर लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे, तब तक के लिए मैं वो ये दो जोनों है उसको ही मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि ये जल्दी हो जाए। और इसको हम ढक के चीज मेल्ट ना हो तब तक के लिए पकने देंगे। करीबन 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा, और मैं दूसरे बना के ओवन में रख दूंगी। ये दिखा यहां से, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। एक बार ये रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगती है। आप बाहर का पिज्जा बर्गर खाना भूल जाएंगे ये ट्राई करेंगे तो।
एंड मोस्टली इसमें हमें अमूल की ही सारी प्रोडक्ट्स यूज हो रही है। इसमें बहुत सारी चीज गई है, अमूल का पनीर, अमूल का बटर, मेयोनीज डाली है मैंने, मोजरेला भी अमूल की यूज की है। ऑलमोस्ट एवरी रेसिपी हैज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अमूल, यू नो। कैन यू रिपीट द नेम ये ऑफ भी इसका नेम रेसिपी? है स्टफ पिज्जा बन। ये दिखा, देखो ये स्टफ्ड पिज्जा थोड़ी थोड़ी बन, हमारी चीज मेल्ट हो रही है। गैस पे रखते हैं तो थोड़ा स्टीम। ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे से चिपक ना जाए, तो उसको ज्यादा देर तक मत रखिएगा, 2 से 3 मिनट में ये हो ही जाती है मेल्ट, इसीलिए मैंने सबसे पहले गैस पर ही रख दिया, क्योंकि मैं ये स्टफिंग करूंगी तब तक में तो वो शायद रेडी भी हो जाएगा। रिपीट द रेसिपी। या श्योर। मैंने सबसे पहले ऑनियन, टोमेटोज, कैप्सिकम और पनीर इन सबको क्यूब्स में काट लिया है, और इन सबको मैंने एक बाउल में, इस बाउल में मिक्स किया है। साथ में स्वीट कॉर्न को मैंने हाफ बॉईल किया हुआ है, थोड़ा सॉल्ट ऐड करके मैंने बॉईल किया था, और फिर उन सबको मैंने मिक्स किया है, कोरिएंडर ऐड किया है, फिर ये जो चीज है मैंने मोजरेला और प्रोसेस दोनों को ऐड किया है। आप चाहे तो अकेली मोजरेला भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब गार्लिक बटर की रेसिपी एक बार। हाँ जी, 1 मिनट का मैं हैंड वॉश। ये गार्लिक बटर में मैंने बटर लिया था, मैंने 5 टेबलस्पून, क्योंकि मैं 10 से 12 पाउंड का बना रही हूँ, तो मैंने 5 टेबलस्पून बटर लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून जितना मैंने जिंजर क्रश करके ऐड किया है, गार्लिक क्रश करके ऐड किया है, और साथ में ही मैंने ओरिगानो ऐड किया है और कोरिएंडर ऐड किया है। ये देखिए, ये हमारे दोनों बन है हो चुके, तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी। डायरेक्ट मैंने टर्न टेबल पे रखा है और इसे हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। ओके, हाउ शुड वी कट द बन? बन कैसे कटिंग हाँ मैं दिखाती हूँ आपको, इससे दिखा बन? देती हूँ। वेट, हमारे ये बंद हो चुके होंगे शायद, रुक जा ले लेती हूँ, निकालना भूल गई थी। माइक्रोवेव में हम 2 मिनट्स के लिए रखेंगे उसको। ये हो चुका है, नहीं अभी हो रहा है, तो टेंशन नहीं, इस साइड आ जाओ। यस, नॉर्मल बटर पेपर है, उसके नीचे ऑयलिंग किया हुआ है हमने, ऑयल रख के एंड देन बटर पेपर। ओके, ऑल अमूल प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन स्मॉल सिटी। हाँ, तो हमने तो इसमें इसमें सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट्स ही यूज किए गए हैं। मैंने बटर और चीज ही यूज किया है इसमें, यस, और मोजरेला चीज यूज किया है। अगर प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हो, और हम बन को कैसे कट करना है वो भी वो बता रहे दिखा हैं। देती हूँ मैं जस्ट आपको, 1 मिनट। देखिए ये मैंने बन लिया है, उसको हम 2 पीस करेंगे, ऐसे पूरा एंड तक नहीं करना है, ऐसे हाफ तक ही करना है। देखिए ये मैंने 1/4 तक का ही किया हुआ है, वैसे ही हम और 2 कट लगा देंगे। डन। माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर कितने नहीं, कन्वेक्शन मोड पे नहीं, सिर्फ माइक्रो मोड पे ही रखना है उसको। माइक्रो मोड पे मैंने 2 मिनट रखा है, अब वो दिखा दे। चलो मेरे पिज्जा बन में वो माइक्रोवेव में तो हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून।
वाओ दिस इज रियली क्रिएटिव. ये देखिए ये हो चुके हैं और हमारे गैस वाले भी चीज ले, ये माइक्रोवेव वाले हैं. इंडीड टेम्पटिंग एंड रूलिंग. यहाँ पे देख ले, और ये गैस वाले भी देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और नीचे से भी. हाँ क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे. Why to use butter paper on fry pan? ये चिपक ना जाए इसलिए, क्योंकि देखिए अभी इसमें भी चिपक रहा है और पाव है तो थोड़ा चिपक जाएगा नीचे. अगर बटर पेपर आपने यूज किया होगा तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं इसे. माइक्रोवेव मोड पे क्रस्ट ट्रे रख सकते हैं. ये मेरी जो ट्रे है वो माइक्रोवेव प्रूफ है तो आप रख सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट टर्न टेबल पे भी रखिए, कोई इश्यू नहीं आएगा. या फिर आपकी कोई भी माइक्रोवेव प्रूफ ट्रे होगी, जैसे कि प्लास्टिक की भी आती है मेरे पास है, तो वो भी आप रख सकते हैं. आप चाहे तो मैं तोड़ के दिखा सकती हूँ इसको, एक पीस को. ये देखिए नाइस रेसिपी, लुकिंग नाइस, थैंक यू. इसका फ्लेवर आ रहा है अभी, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए. और मेरे यूट्यूब चैनल छाया पंचाल किचन में भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा. ये रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे मैं आज ही पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं. और बहुत सारी मैंने रेसिपीज वहां पे भी दिखाई है. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अब, क्योंकि रेसिपी हमारी हो चुकी है स्टफिंग का, बटर का, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए. एनी सजेशंस और क्वेरीज, और कुकिंग और बेकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन भी कोई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे. ठीक है, बस तो हो गया, ठीक है ना. थैंक यू अमूल, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पे ये मेरी रेसिपी दिखाने का. और आई होप कि सबको बहुत पसंद आई होगी ये इंस्टेंट रेसिपी. ये डिनर में भी आप कभी नाश्ते में भी ले सकते हैं ये, या फिर कोई गेस्ट आए तो भी आप ये यूज कर सकते हैं. किसी को अगर जल्दी जल्दी में कोई स्नैक बना के देना हो तो ये आप दे सकते हैं. और बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे वेजेस डाले हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी स्टफ पिज्जा बन. थैंक यू, होप यू लाइक दैट. ओके बाय एंड हैप्पी उत्तरायण टू एवरीवन.